हाय फ्रेंड्स, मैं रश्मि स्वागत करती हूँ आयुर्वेदा ज्ञान पे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी राय सूजी उपमा, जिसके लिए हमको चाहिए ये कटे हुए प्याज, एक बड़ी हरी मिर्च, दो बड़े टमाटर बारीक कटे हुए, ये चना दाल एक चम्मच, थोड़े से धनिया पत्ता, थोड़े से करी पत्ता और ये वाइट राशि, थोड़े से जीरा, अदरक और ये सूजी को मैंने पहले से ही गर्म पानी में भिगो के रखा हुआ है। इसको मैं आधा घंटा करीब भिगा के रखी हूँ। और ये ग्रीन मटर और ये पैन में हम अभी डालेंगे थोड़ा सा तेल, में हम डालेंगे अभी जीरा को, और ये थोड़े से सफेद तिल, और ये अदरक, इसको हल्का से थोड़ा फ्राई करेंगे। इसमें हम डालेंगे अभी ये और ये एक चम्मच सीमा है, जिसको हमने पहले से गर्म करने में भिगो के रखा हुआ है। आप चाहे तो इसको डाल सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब हम इसमें डालेंगे ये करी मिर्च, उसके बाद इसमें डालेंगे ये प्याज, हरी मिर्च और इसको फ्राई करेंगे। इसके बाद ग्रीन मटर को डाल देंगे और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। तो इसको हल्का सा ऐसे हिलाते जाएंगे, जब थोड़ा सा प्याज डार्क ब्राउन कलर का हो जाएगा तब इसमें हम टमाटर को ऐड करेंगे। अब इसमें हम टमाटर को डाल देंगे, इसको फ्राई करेंगे। इसमें चार चम्मच नमक डाल देंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी और इसको दो मिनट तक पका लेंगे। जब इसमें हल्का सा उबाल आ जाएगा तब हम इसमें थोड़ा सा चीनी को डाल देंगे, थोड़ा सा ही डाल रहे हैं। इस तरह से मिला लेंगे और इसको फिर से दो मिनट तक छोड़ देंगे। अब हम इसमें सूजी को डाल देंगे,
पानी ऐड नहीं करना है, ऐसे ही इसको सर्व करना है। ये देखिए ड्राई सूजी उपमा आपका बिल्कुल रेडी है। इस तरह से रेसिपी आप घर पर बनाइए, और कैसी लगी मेरी रेसिपी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। मैं फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ आयुर्वेद ज्ञान पे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।